तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप यू आर गुड। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है रोड सेफ्टी एंड एजुकेशन। अब आप ये मत सोचना कि सर ये आपने कैसा चैप्टर स्टार्ट कर दिया। सर आपने ये मत सोचना, इसको इतने हल्के मत लेना आप लोग। ये चैप्टर ऐसा नहीं है कि आप SST में पढ़ रहे हो या साइंस में पढ़ रहे हो कि थोड़ा सा लॉजिक लगा के आपका हो जाएगा। नहीं बच्चों, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं ना, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन वो एग्जामिनर अपन को दे देता है कि हम ही वहां पे फंस जाते हैं, और कभी तो क्वेश्चन इतना बड़ा होता है कि देख कर ही घबरा जाते हैं। वैसे ही क्वेश्चन ये है। तो इस क्वेश्चन का पहली बात तो ये है कि आप देख के घबराना नहीं है कि सर सर ये क्या लिख दिया इतना बड़ा। आते हैं एग्जाम आते हैं और आ रखे क्वेश्चन 2019 में भी आ रखा है, 17 वगैरह में भी आ रखा है, 18 वगैरह में भी आते हैं। तो इन क्वेश्चन को आपको हल्के में नहीं लेना, इस चैप्टर को भी हल्के में नहीं लेना। अपन को करेंगे अपन आज कुछ क्वेश्चन ऐसे करेंगे, दो तीन क्वेश्चन आपको करके देखूंगा, आप भी कहोगे यार सर यार आपने क्वेश्चन तो मस्त कराया। तो करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्वेश्चन यहीं पे लिखा हुआ, बोर्ड पे लिखा हुआ एक क्वेश्चन। तो कई सारे तो घबरा रहे होंगे, लेकिन घबराना नहीं है। एग्जाम में आ रहा है, एग्जाम में घबरा गए तो फिर आते हुए क्वेश्चन अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। तो देखो क्वेश्चन ऐसे तो इंग्लिश में लिखा हुआ लास्ट चैप्टर का है, क्वेश्चन लिख भी रखा है, उसमें है ऐसा क्वेश्चन। तो हिंदी वाले आप उसमें से देखना, उसको अपनी बुक ओपन कर लो, उसमें से क्वेश्चन को देख लो, और इंग्लिश मीडियम वाले के सामने लिखा हुआ ही है, ठीक है। तो क्योंकि हिंदी वाली इतनी जगह है नहीं, इसमें लिख दिया और इसमें भी लिख दिया, पूरा क्वेश्चन से भर दिया, अपन लिखेंगे क्या, समझाऊंगा काम में नहीं हो सकता ना, इसलिए थोड़ा स्पेस जरूरी है। तो देखो क्वेश्चन स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 150 किलोमीटर। क्वेश्चन समझा रहा हूँ, हिंदी में भी समझा रहा हूँ। ए और बी के बीच में दूरी कितनी है, 150 किलोमीटर। तो अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई ना बच्चों, तो कोई भी क्वेश्चन हो, कितना भी टफ क्वेश्चन हो, आप उसको चुटकियों में कर लोगे। आप लोग देखो कैसे करते हैं, ए एंड बी के बीच की दूरी कितनी, 150 किलोमीटर। करें ये 150 किलोमीटर ए और ये बी, कितनी डिस्टेंस है स्टूडेंट, 150 किलोमीटर। कहीं कहीं तो देखना भी आपको कैसे बेवकूफ बनाते हैं ये, पर अपन को बेवकूफ नहीं बनना, अपन को एग्जामिनर को बेवकूफ बना के देखना। देखो 150 किलोमीटर हो गया, एंड देयर आर 10 ट्रैफिक सिग्नल इन बिटवीन ए एंड बी, और ए और बी के बीच में क्या ट्रैफिक सिग्नल है, कितने हैं, 10 है, 10 10 ट्रैफिक सिग्नल बना दें, A1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गए, 10 ट्रैफिक सिग्नल बना दिए। आगे क्या कहता है, इफ ए कार बाय 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड रीचेज पॉइंट बी क्रॉसिंग ऑल ग्रीन सिग्नल इन 2 आवर 30 मिनट। क्या कहता है कि एक कार है, लो जी भैया जी कार, जिसको जैसी लेनी है वैसे लो, कोई मर्सिडीज लेना चाहता है, कोई ऑडी लेना चाहता है, कोई फरारी वरारी, जैसी आपकी श्रद्धा, ठीक है। तो अब ये कार क्या जा रही है, इस साइड जा रही है, किस स्पीड से जा रही है बच्चों, ये जा रही है आपके 60 किलोमीटर पर, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी जा रही आ रही है कहां तक, बी तक, और पहुंच भी जाती है, और कितनी देर में पहुंचती है बच्चों, ये पहुंचती है 2 आवर और 30 मिनट, 2 आवर और 30 मिनट, ठीक है। ये तो कब, जब नॉर्मल ना, तो कोई रोड पे कोई कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी, वैसे जैसे लॉकडाउन बने, लॉकडाउन में गई रफ्तार गाड़ी, हालांकि बीच में भी क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं पुलिस वाले, आ जाते हैं रोक लेते हैं अपन को, तो ठीक है चलो लॉकडाउन को भी छोड़ो, आप ऐसे परेशान हो। देखो तो प्लेन रोड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जाए जा रहा 2 आवर 30 मिनट पूरा कवर कर लेता है, हां 10 ट्रैफिक सिग्नल को। आगे क्या आता है स्टूडेंट, आगे कहता है क्वेश्चन के अंदर, बट ऑन अदर डेज ड्यू टू हैवी रेन, या रेन लिखना भूल गया, गलती के लिए क्षमा करें। अच्छा रेन से याद है, गलती से याद है, जो लास्ट वाली जो अपनी वीडियो थी ना, उस वीडियो के अंदर जो लास्ट वाला जो क्वेश्चन कह रहा था मैं कि भी इसका आंसर कंफर्म है या नहीं, मैं चेक करके बता दूंगा। तो बच्चों उसमें लास्ट स्टेप में जो छोटी सी माइनर मिस्टेक हो गई थी, तो वहां पे जो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे ना अपन, तो वहां से 2 से, अगर किसी ने ध्यान से देखा होगा, पता भी चल गया होगा, तो वहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो वहां पे 2 4 5 मतलब 2 7 जब 4 लिखने थे, वहां पे मैंने 1 एक्स्ट्रा ऐड कर दिया था, जबकि एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना था, वो छोटी माइनर मिस्टेक थी, ठीक है। तो उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। देखो अब इसके बाद में क्या होता है कि आगे क्वेश्चन क्या कहता है, बट ऑन अदर डेज ड्यू टू हैवी रेन इट हैपेंस टू स्टॉप एज फुल। लेकिन अब क्या हो रहा है, बहुत खतरनाक बारिश हो रही है, अब बारिश हो रही है, तो इसको हर ट्रैफिक सिग्नल पे क्या करना पड़ रहा, रुकना पड़ रहा, कुछ टाइम लेकर रुकना पड़ रहा, और वो टाइम किस हिसाब से रुक रहा है कि ये फर्स्ट ट्रैफिक सिग्नल, पहले ट्रैफिक सिग्नल पे कितनी देर रुकता है, 1 मिनट,
सेकंड वाले पे कितने देर रुकता है, सेकंड ट्रैफिक सिग्नल पे 2 मिनट, और अगले वाले पे क्या कर रहा, सो ऑन, ऐसे क्या करते 10 मिनट रुकता है कितना, 10वें वाले पे, ऐसे में लगातार चलता रहता है, इस पे 1 मिनट, इस पे 2 मिनट, इस पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, सब पे इतनी इतनी देर ये रुकता जाता है। अब फाइनली आपसे क्या पूछता है कि तो बताओ कैलकुलेट द टोटल टाइम टेकन बाय द कार इफ इट फॉलोस द टोटल ट्रैफिक सिग्नल बाय स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर। तो आपको बतानी है कि कुल इसको कितना टाइम लगेगा यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में। बहुत इजी है, अगर आप बेसिक से जाओगे ना, बिल्कुल सिंपल, अपना थोड़ी सी अगर दिमाग लगा करोगे तो क्या कर सकते हैं, 2 आवर 30 मिनट तो इसको लगेगा ही, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इतना तो लगेगा, ये तो लगेगा ही, एक्स्ट्रा टाइम कहां लग रहा है उसको, जहां जहां रुक रहा है वही तो एक्स्ट्रा टाइम है उसके, तो कोई बात नहीं उसको ऐड कर देते अपन। तो ऐड करना क्या होगा, किसको ऐड करेंगे, जितने देर वो एक्स्ट्रा रुक रहा है, तो यहाँ पर 1 मिनट रुक रहा है, तो चाहो तो आप ऐसे ऐड कर लो कि 1 + 2 + इन सबको ऐड कर लो, ठीक है। तो ऐड करने में आपका थोड़ा यहाँ पर टाइम कर सकता है, लेंथ हो सकता है, ज्यादा हो सकता है ना, कोई आपको खुद को ऐड करने में ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो इसका दो तरीका देखो, एक तो तरीका यह है कि आप क्या करो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला लगो कि जिसके अंदर वो समांतर श्रेणी कहते हैं सारी जिंदगी के अंदर, तो या तो वो लगो, वो फॉर्मूले आते हैं आपको पता है, सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, सम ऑफ एन टर्म, या फिर उसके ना एन पदों का योग वाला कि एन अपॉन टू एस इक्वल टू होता है ना, एस इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट में 2a + n - 1b, ये वाला फॉर्मूला, एक तो ये वाला फॉर्मूला करें। एक दूसरा तरीका और है जो सिंपल वे में बताता हूँ, बहुत ईजी है। तो मैं कहूंगा अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए या फिर ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए तो आप वैसा में जाना और ऐसा करना दो। यहाँ पे नंबर क्या है, नेचुरल नंबर है ना, प्राकृतिक नंबर है, प्राकृतिक संख्या दो, 1, 2, 3, 4 प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्या या फिर जो सम ऑफ नेचुरल नंबर है उसका एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा, यानी सम ऑफ नेचुरल नंबर, इसका एक फॉर्मूला होता है बच्चों, क्या फॉर्मूला क्या होता है देखो, बिल्कुल इजी सा, या हिंदी ले सकते हो प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है, n + 1/2, n यहाँ पे क्या है, कुल कितने नंबर है, 10 तक है, चलो 10 लिखो, 10 लिखो, प्लस 10 + 1 करेंगे अपन, अपॉन 2, 10 और 1 क्या होगा 11, और 11 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 110, और 110 को 2 से डिवाइड करोगे कितना देंगे 55, अब ये क्या है मिनट आया। तो ये तो वो टाइम है जब इसको यहाँ पर ढूंढना पड़ रहा है, लेकिन टाइम ये थोड़ी टाइम तो ये भी है, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा बच्चों, तो टोटल टाइम होगा, टोटल टाइम इक्वल टू हो जाएगा 55 प्लस ये और 2 आवर और 30 मिनट। तो देखो ये मिनट है या ना, ये मिनट बजा रहा हूं, तो मिनट में मिनट ऐड हो गया ना, ऐसे मत करना 2 में 55 को ऐड कर दिया 57 कर दिया, बिल्कुल गलत हो जाएगा, जो 6 मिनट होती है उन्हीं को ऐड कर सकते हैं अपन, तो इसके लिए मिनट और मिनट को जोड़ लेंगे अपन, तो टोटल कितना हो जाएगा 2 आवर और मिनट कितना देंगे 55 में 38 करो कितना देंगे 85 मिनट, ठीक है बच्चों। अब 85 मिनट ये तो 60 से ऊपर हो गया ना, अपन बता रहे कि 60 मिनट में कितने आवर होते हैं, 1 आवर होता ना, तो क्यों ना अपन इसको ऐसा लिख ले अपन 2 आवर 60 + 25 लिख सकते हैं ना, अफकोर्स लिख सकते हैं अपन, और 60 मिनट को आप क्या लिख सकते हो 1 आवर लिख सकते हो, और 1 आवर को किसमें इसमें ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 3 आवर 25 मिनट। तो बच्चों ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। तीन तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो आप लोग इसको, देखो एक तरीका तो ये है कि आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लगो, ठीक है, जो बेसिकली करते हैं सब करते हैं ऐसे बताते हैं, ऐसे क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ नहीं है कि भाई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से उसी से लिखो समांतर श्रेणी वाले उसी से करो, ऐसा तो कुछ नहीं लिखा हुआ, तो आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि जैसा मैंने बताया इस तरीके से। तीसरा तरीका क्या कर सकते हो आप लोग, जो ही मेरा फॉर्मूला लगाया, अगर फॉर्मूला भी आप नहीं है तो छोड़ो, अपन को तो इनको जोड़ना है ना, तो ऐसे जोड़ लो आप लोग, कितने हो जाएंगे देखो 10 10 जोड़ लो, 10 और 9 19 है ना, 19 और 8 कितना थे, 19 और 8 27 27 और 7 34 34 और 6 40 40 और 9 49 49 और 6 49 और 6 कितने होते हैं 55, सही है 49 और 6 55। तो चलो नोट करो, तो बच्चों देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्यादा तो देख लिया होगा आप लोगों ने, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब क्वेश्चन यह है कि आया हुआ क्वेश्चन है, 2019 में आया था इस टाइप का क्वेश्चन, और आते भी है फार वाले। देखो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, करते देखो जगह भी हिंदी में लिख लिया अपन ने। तो क्वेश्चन क्या है,
इफ फार ऑफ ए कार फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज 20 rupees एंड फॉर आफ्टर 1 किलोमीटर इज 11, देन फाइंड द टोटल फार फॉर 15 किलोमीटर. हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी में पढ़ूंगा मैं, और हिंदी काम आएगी यहाँ पर. तो और मैं पहले भी समझाया आप लोगों को, वहां पर एग्जाम आप ये लेकर मत बैठ जाना कि भाई मैं तो इंग्लिश मीडियम का हूं, मैं हिंदी में क्यों देखूं. अगर ऐसा ही बोल लेकर बैठ गया, ध्यान रखना क्वेश्चन आपका वहीं का वहीं डूब जाएगा. क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनकी लैंग्वेज हमको नहीं समझ आती है, इंग्लिश में नहीं समझ आती, या फिर अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हिंदी में भी नहीं समझ आते. तो आप क्या करो, वहां पर अपनी लैंग्वेज को स्विच करो, या इंग्लिश में हो तो हिंदी में हो, हिंदी से हो तो इंग्लिश में हो. आंसर लिखने की बात नहीं कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन समझने की बात कर रहा हूँ. तो ठीक है, वहां पर अपने ईगो में मत लेना, इंग्लिश मीडियम से हो तो कोई बात नहीं, हिंदी देख लेना चलता है. ठीक है, देखो तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, आपको हिंदी में हेल्प करेगा. कैसे हेल्प करेगा, चलो देखो. इस वाले में तो आपको क्लियर कट भी आपको पता नहीं चल पा रहा कि यहाँ पे ये तो समझ आ रहा है कि पहले किलोमीटर का किराया कितना लेगा, 20 रुपए 20 रुपए, एंड फॉर आफ्टर 1 किलोमीटर इज 11, मतलब कि आगे के 1 किलोमीटर के लिए 11 रुपए. अब ये फिर भी क्वेश्चन दिक्कत प्रॉब्लम कर रहा है. तो बताओ कि फार फॉर 15 किलोमीटर के लिए किराया क्या होगा. तो यहाँ पर तो लिखा होता है, लेकिन आप हिंदी का पढ़े तो आपको इजीली समझ आ जाएगा. कैसे, यदि एक कार का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए 20 रुपए है. चलो इसको समझो, देखो ये अपना रोड है, ठीक है. अब ये कोई कार है, ठीक है. चलिए कौन सी लेना चाहोगे, ले लो. मुझे तो क्रेटा वाली पसंद है, हुंडई की आती है, लेंगे कभी किसी दिन आएगा अपना टाइम भी. देखो तो ये कार है, अब इस कार को जाना है कहां पे, 20, क्या कहता है, यदि एक कार का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए 20 रुपए, यानी कि 1 किलोमीटर तक जाता है. सपोज करते हैं 1 किलोमीटर यहां से, हालांकि इतना नहीं हुआ, मान रहे हैं, ठीक है. बहुत चीजें भी तो मानते हो आप लोग, कभी एक्स को क्या मान लेते हो, कभी क्या मान लेते हो, आप भी मान रहे हो. तो ये जो 1 किलोमीटर है, इस 1 किलोमीटर को इसको कवर करने में इसका टोटल पैसा लग रहा हूं, कितना लग रहा है बच्चों, 20 रुपए, ठीक है. आगे क्या कहता है, कहता है इसके बाद प्रति किलोमीटर के लिए 11 रुपए, यानी इसके बाद ये जितने भी किलोमीटर जाता है, यानी हर किलोमीटर के लिए कितने रुपए लेता है, 11 रुपए लेता है, 11 रुपए लेता है हर 1 किलोमीटर के लिए, हर पर किलोमीटर के लिए 11 रुपए लेता है. यानी कि आगे 1 किलोमीटर को लो, चलो आप ये 1 किलोमीटर और, ठीक है. आगे सब मैंने 1 किलोमीटर का गैप लिया ना, 1 किलोमीटर का. तो आगे जितना भी किलोमीटर जाएगा, हर 1 किलोमीटर पे कितने रुपए ले रहा है, ये ले रहा है, ले रहा है, ये ले रहा है 11 रुपए, 11 रुपए ले रहा है, 11 रुपए, ठीक है. इस पे भी 11 रुपए लेगा, ऐसे सब पे 1 किलोमीटर पे 11 रुपए लेगा. तो आगे क्वेश्चन क्या पूछता है कि तो बताओ 15 किलोमीटर चलने के लिए कुल किराया क्या कीजिए, कि 15 किलोमीटर चलने के बाद उसका कुल कितना किराया होगा. यानी 1 किलोमीटर चला यहाँ से, 15 किलोमीटर यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 यहाँ तक, इस पॉइंट पे किराया कितना होगा. देखो एक चीज तो अपन बेसिक करें, थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस भी यूज करोगे, देखो 1 किलोमीटर का तो 20 रुपए हो गया, चलो भैया ये 20 रुपए, ठीक है. आगे क्या है, आगे कुल कितने किलोमीटर होंगे, 1 किलोमीटर तो हो गया, बल कुल कितने किलोमीटर बचेंगे ना, टोटल कितना 15 ना, 15 में से अगर आपने 1 हटा दिया, कुल कितने किलोमीटर बचे, 40 किलोमीटर बचे, 14 किलोमीटर. और 14 किलोमीटर में 1 किलोमीटर का अगर 11 रुपए है, तो 14 किलोमीटर का कितना होगा, बताओ ना, इसका भी 11, 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
14 रुपए के सर 11 रुपए। अगर 1 किलोमीटर का 11 रुपए तो बताओ 14 किलोमीटर का क्या होगा? आप सिंपली गुणा कर लोगे ना, 11 को 14 से गुणा कर लोगे तो कर लो, 11 को 14 से मल्टीप्लाई करो कितने हो गए। और ऐसे भी 2 डिजिट को जब मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 11 से, दोनों का सम करके लिख दो बीच में, यानी कैसे 11 से 14 देखो, दोनों साइड को ऐसा लिख दिया, बीच में दोनों सम कितना होता है 5 होता है, 5 दो काम करने के करते हैं कितना जाएगा टोटल, ऐड कर लो 4 7 होगा, ये क्या हो गया, ये आंसर हो गया भैया जी, कितना इजी क्वेश्चन। ये तो बेसिक कॉमन सेंस, कोई फॉर्मूले वगैरह की कुछ जरूरत नहीं है। एक दूसरा तरीका होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें फॉर्मूले की जरूरत होती है। चाहो तो देख लो आप लोग फॉर्मूला कौन सा लगाया जाएगा यहाँ पे, कि या तो 1 किलोमीटर गैप हो रहा ना तो यहाँ फॉर्मूला लगाया जाता है किसका,
तो ये पहले टर्म है, इसको ऐसे समझो यहाँ पे करंट है, पहले टर्म ये, दूसरी है, तीसरी, चौथी, पांचवी, तो ये 15वीं टर्म के लिए पूछ रहा है, 15th टर्म के लिए। 15th टर्म की यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, तो इसके लिए फॉर्मूला आता है ए एन, पढ़ा होगा आपने, ए प्लस एन माइनस वन डी। ए क्या होता है प्रथम पद, ए क्या होता है बच्चों फर्स्ट टर्म, प्रथम पद, तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू दे रखी है क्या, दे रखी है, कितनी है, नहीं है, ये तो 20 ज्यादा की है, यहां से करेंगे अपन, यहां से इस वाले से, सही है, कह रहे गलत लग रहा है, चलो करते हैं क्वेश्चन, करते हैं देखो, तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू दे रखी है आपको, दे रखी कितनी, दे रखी 20, ठीक है। आगे देखो n की वैल्यू, n की वैल्यू तो आपको पता है कितनी होगी, 15 तक होगी ना, 15 रख देंगे, और d की वैल्यू दे रखी है क्या, d की वैल्यू दे रखी, कितना का गैप आ रहा, कितना गैप आ रहा यहाँ पे, 11 का गैप आ रहा, 11 का गैप आ रहा, देखो तो n की वैल्यू कितनी होगी, 15, नंबर ऑफ टर्म 15, और d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितना गैप आ रहा, 11 का गैप आ रहा, 11 का, तो d की वैल्यू, तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो, a 15 की वैल्यू निकालनी है, तो a कितना दे रखा है, a दे रखा 20 प्लस n की वैल्यू कितनी है 15 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 11, सॉल्व करो 20 प्लस 15 में से एक गया तो 14 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, तो ऐसा मत कर देना इन दोनों को जोड़ लो, गलती हो जाएगी, एक रूल बताया था मैंने आपको बोर्ड मास बताया ना, उसके हिसाब से क्या होता है, पहले मल्टीप्लाई होगा तो 14 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, ये आएगा 154, दोनों ऐड कर लो 174 रुपीस, ये आंसर हो गया। जो तरीका विच एवर मेथड यू लाइक यू कैन यूज इट, जो भी मेथड आपको अच्छा लगता है वो आप यूज कर सकते हो, तो ये ठीक है, मुझे तो ये ज्यादा अच्छा लगा, कॉमन सेंस है, बेसिक है, ठीक है। लिखने का तरीका कि भाई कह सकते हो फर्स्ट किलोमीटर कितना है, द देन द क्या द फार द फेयर ऑफ 1 किलोमीटर इज 20, तो इसको अलग से लिखो और आगे वाले को उनको अलग से बता दो, उन दोनों सम कर लो, ये हो गया। चलिए नोट कीजिए, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करें अपन लोग, चलिए करते हैं। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है हिंदी में, बोल रहा हूँ समझा रहा हूँ आपको, ऐसे हिंदी में समझाता हूँ मैं पूरा, ठीक है। एक कार, बाकी एक क्वेश्चन जो है आपके बुक का पीछे जो है ना लास्ट वाला चैप्टर, उसमें एक क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से करेंगे, क्या पता चांसेस वो आने के आ भी सकता है, लेकिन आए उससे क्या अपन को भी तो आना चाहिए, क्वेश्चन तो बड़े कितने आए ना, अगर अपन को नहीं आता तो कोई मतलब नहीं, तो अपन को भी आना चाहिए, तो अपन कैसे करेंगे चलिए देखते हैं, बिल्कुल सिंपल वे में समझेंगे पहले फिर करने की कोशिश करेंगे। एक कार मूव्स विद ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, जैसे दे रखा है ना बस वैसे वैसे करते जाओ, आप वो वैल्यू पुट करते जाओ, एक डायग्राम बनाते हो, देखो डायग्राम बनाओगे तो आपको क्वेश्चन को समझने में आसानी रहेगी, तो आप डायग्राम बना के समझने की कोशिश क्या करो। एक कार मूव्स विद ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, एक कार है, देखो कार कितनी बार आ रही है, आने दो, हाँ अपने पास भी आएगी किसी ने, ठीक है। चलिए अब ये कार क्या कर रही है, किस स्पीड से जा रही है, स्पीड बता रहा है, ये जा रही है कार स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी जा रही है, कोई ज्यादा रफ्तार नहीं। अब क्या कहता है, इफ द स्टॉपिंग डिस्टेंस इज 40 मीटर, यानी कि अब वो जैसे कार को रोकता है तो रोकते समय कार को ऐसा तो नहीं जैसे रोका वहीं पर रुक गई, ऐसा है नहीं, तो कार को जैसे वो रोकेगा तो कुछ स्पीड तो जाएगी जाएगी ना, तो वो जो डिस्टेंस वहां पर ट्रेवल करती है, मतलब जो दूरी वो तय करता है, जब वो ब्रेक उसको स्टॉप करता है गाड़ी को, तो वो दूरी तय करता है कितना बच्चों, 40 मीटर, कितनी करता है बच्चों 40 मीटर, ठीक है। चलिए आगे समझिए, एंड रिटार्डेशन इज 4.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ रिटार्डेशन को हिंदी में मंदन बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे अब क्या आगे बताता है, रिटार्डेशन इज 4.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अब ये नया वर्ड आ गया रिटार्डेशन, रिटार्डेशन क्या होता है बच्चों, एक्सीलरेशन सुना आपने, त्वरण सुना आपने, त्वरण का उल्टा होता है मंदन, त्वरण कैसे कहते हैं, एक्सीलरेशन कैसे कहते हैं,
आपने गाड़ी चलाई होगी कभी ना कभी, आपने नहीं चलाई होगी चलाते हुए देखा, तो उसके हाथ में क्या होता है, जिसको कान खींच रहा होता है, क्या होता है वो, एक्सीलरेटर होता है। क्या होता है? एक्सीलरेटर। यानी वो क्या कर रहा होता है, उसकी स्पीड इंक्रीज कर रहा होता है। ठीक है, जैसे आप उसको बढ़ाओगे तो गाड़ी भी चलनी होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे आप उसको बढ़ाओगे उसकी, तो गाड़ी की रफ्तार बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी। आप क्या कर रहे हो उसमें, स्पीड में चेंज कर रहे हो, एक्सीलरेट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? एक्सीलरेट। यानी एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन, ठीक है, त्वरण। और इसका उल्टा होता है रिटार्डेशन। अब बताओ, जब गाड़ी चलाते हैं या फिर आप भी जब गाड़ी चलाते हो, तो क्या गाड़ी को बस ऐसे ही करते हो कि बस एक बार पकड़ लिया बस वापस नीचे लाना ही नहीं है? अगर नीचे नहीं लाओगे तो आप ऊपर पहुंच जाओगे। तो देखो, तो जो रिटार्डेशन क्या होता है, इसका जस्ट ऊपर अपोजिट होता है। एक तो होता है आप स्पीड बढ़ाओ जब गाड़ी की एक्सीलरेट लेगा, एक होता है उसको कम धीरे करो जब आप ब्रेक लगा रहे होते हैं या फिर कोई टर्न आ रहा होता है, तो उस समय क्या कर रहे होते हैं, आप गाड़ी की स्पीड को कम कर रहे होते हैं। तो वो जो एक्सीलरेशन या फिर उसकी जो स्पीड में जो कमी आना, वही क्या हो रहा होता है वहां पे, रिटार्डेशन। ठीक है, तो अब बताओ जब आप ब्रेक लगाते हो तो क्या होगा, एकदम स्पीड और तेज हो जाती है क्या, या फिर स्पीड कम होगी? कम होगी ना, ऑब्वियस है कम होगी, तो सेंस, कॉमन सेंस है। तो जैसे आप क्या करते हो, ब्रेक लगाते हो, गाड़ी वाला ब्रेक लगाता है, तो गाड़ी की स्पीड कम होगी, और इसी को इसने क्या बोला, रिटार्डेशन बोला। तो ये रिटार्डेशन कितना देर का, 4.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन में आ गया, अब बताओ कि इसको कुल कितना टाइम लगेगा, यानी यहां से यहां तक पहुंचने में कुल कितना टाइम लगा, ये आपको फाइंड आउट करना। करें, चलिए करते हैं। देखो बच्चों, लॉज ऑफ मोशन की तीन इक्वेशन है, ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की तीन इक्वेशन है। एक तो है v इक्वल टू यू प्लस एटी, एक है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और थर्ड वन है v स्क्वायर इज इक्वल यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये तीन इक्वेशन है, इन तीनों में से किसी को भी यूज करके आप क्या कर सकते हो, ये निकाल सकते हो। लेकिन अपने पास में वो सारी चीजें होनी चाहिए, तो अपने इतना टाइम उसमें नहीं रखकर मैं सीधा क्वेश्चन आंसर पाता हूँ। जैसे कि हाँ गया अपना क्वेश्चन, तो अपने जो इस क्वेश्चन में जो वर्क करने वाली है वो है ये वाली, ये इक्वेशन। तो आप लिख सकते हो, ये इक्वेशन लिखिए पहले आप। अब एक इक्वेशन में कई सारे टर्म दे रखे, उन टर्म को समझ, v होता है बच्चों फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग। अब स्पीड और वेलोसिटी सेम हो सकता है, साइंस का टॉपिक है, स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम होती है कब, जब उनका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। अब ये टर्म आ गई, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, अब तो उसको छोड़ा, साइंस को छोड़ा भी, ठीक है, बाकी अच्छे से समझा देता हूँ। साइंस में स्टार्ट करेंगे, जो भी मैथ देखा है साइंस पढ़ाऊंगा मैं भी आपको, स्टार्ट करूंगा मैं, बहुत शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा, यकीन मानो आपको मजा आ जाएगा पढ़ने के अंदर, और मुझे भी बहुत मजा आता है दो सब्जेक्ट को पढ़ाने में, एक तो साइंस और मैथ, दोनों में बहुत मजा आता है पढ़ने, ठीक है, बस पढ़ने वाला चाहिए बस आप जैसा। देखो तो क्या होता है, वी होती है फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी मतलब कि लास्ट तक पहुंचना, तो ये लास्ट क्या, यहां से यहीं तक पहुंचाना, लास्ट में यही होगी इसकी स्पीड, जो यहां पर जो वेलोसिटी होगी, स्पीड होगी, वही फाइनल होगी ना, तो फाइनल। तो अब उसने ब्रेक लगा दिया, तो ब्रेक लगाने के बाद में गाड़ी यहां पर आकर रुकेगी या नहीं रुकेगी, रुकेगी ना, तो यहां पर रुकेगी तो बता इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी ना, बिल्कुल रुक जाएगी, तो जीरो, तो यहां पर v इक्वल टू क्या जाएगा, जीरो। तो बच्चों यहां पर क्या मैं v की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, जीरो लिख सकता हूं ना, लिख सकते हैं जीरो, ठीक है, चलिए आगे। अब इसके बाद में देखो u, u क्या होता है बच्चों, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मतलब कि प्रारंभिक वेग, ठीक है, प्रारंभिक गति। अब इनिशियल, इनिशियल मतलब शुरुआत में, तो बच्चों बताओ गाड़ी के शुरुआत में ब्रेक, जस्ट जब वो ब्रेक लगाने वाला था उस समय उसकी क्या स्पीड थी, 50 किलोमीटर पर आवर। आगे चाहिए ए, ए क्या होता है बच्चों, एक्सीलरेशन होता है, बताया ना ए होता है एक्सीलरेशन, यानी त्वरण, हिंदी में त्वरण बोलते हैं अपन, तो एक्सीलरेशन दे रखा है कि आपको दे रखा है, बट ये एक्सीलरेशन नहीं है, ये क्या है, रिटार्डेशन। तो एक्सीलरेशन रिटार्डेशन का उल्टा हुआ ना, अगर देखो स्पीड बढ़ रही है तो मतलब पॉजिटिव हो रही है, अगर स्पीड घट रही है तो क्या होगी, नेगेटिव होगा वहां पे। तो क्या मैं इसको 4.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के ऐसे नहीं लिख सकता, -4.4 मीटर। देखो अगर मैं यहां पर रिटार्डेशन लिखता हूं ना, तो मैं यहां पर साइन नहीं लगाऊंगा माइनस का, देखो मैं एक्सीलरेशन लिखा हूं तो यहां साइन लगाऊंगा, क्योंकि यहां पे क्या उल्टा है, यानी स्पीड कम हो रही है, एक्सीलरेशन यानी एक्सीलरेशन का मतलब बढ़ना होता है, लेकिन अगर यहां पे स्पीड कम हो रही है तो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। टी क्या करना आपको, टी तो आपका टाइम है, जो कि आपको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है।
तो अब बिल्कुल सिंपल सी मैथ लगानी है, कैलकुलेशन करनी है, वैल्यू को पुट करना है, उस क्वेश्चन को सोल्व करना है। बस इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना कि जब भी आप न्यूमेरिकल सोल्व करो, चाहे मैथमेटिक्स का करो, चाहे आप साइंस का करो, फिजिक्स वगैरह का, उसमें यूनिट का जरूर ध्यान रखना। यहाँ पे यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इधर क्या है, किलोमीटर पर आवर। तो आपको क्या करना है, इस किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है। किसमें करोगे पहले आप लोग, मीटर पर सेकेंड। तो देखो U इक्वल टू है 50 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करें। चलो करते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, ये 1000 अपॉन आवर, 1 आवर में कितने सेकंड होंगे, सेकंड में चेंज करना ना, 1 आवर में कितने सेकंड होंगे, आवर का तो सेकंड में अपन डायरेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आवर को मिनट में तो कर सकते हैं ना। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, देखो यहाँ पर लिखता हूँ, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं ना एक घंटे में, तो बताओ। तो अब हाँ क्यों क्या, अब मिनट मिनट को सेकंड में चेंज कर लें, और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, एक मिनट कितने होते हैं, 60 सेकंड। जब एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो 60 मिनट में कितने होंगे, 60 से गुणा कर देंगे, 60 मल्टीप्लाई 60 कितने देंगे, 36। यानी कि 1 आवर में, 1 आवर को जब सेकंड में कन्वर्ट करोगे सीधा आके लिखो, अब चेंज कर लेना 100% ये बताओ लो कैसे काट लो, दो दिन दूर की सोलह तो पंच दस, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, इधर लिख लो मैं 125। अब वैल्यू रखनी है, बेस समझोगे कि कैसे, इसमें V की वैल्यू कितनी है, 0 है तो 0, U की वैल्यू आ गई 125 प्लस, A की वैल्यू दे रखी है क्या, A की वैल्यू दे रखी माइनस, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 4.4, और T की वैल्यू तो आपको निकालनी, इसको इधर लिखा जाए माइनस वाले को, क्योंकि हम T की वैल्यू निकालें तो इसको इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, माइनस का इधर आएगा क्या जाएगा, प्लस का, अब टी की वैल्यू चाहिए, टी के साथ जो भी होगा वो अपॉन में जाएगा, और जब आप इसको हटाओगे यहां से पॉइंट ऊपर 0 जाएगा, क्योंकि यहां पर पॉइंट रहा था ना, ये पॉइंट रहा होगा ऊपर 10 आ जाएगा। और जब आप इसको कैलकुलेशन करोगे सिंपल गुणा भाग गुणा भाग करना, तो इसका आंसर आएगा शायद 3.16 आएगा शायद सेकंड, है ना, सेकंड में चल रहा सेकंड, तो इसका आंसर है, देखो देख लेता हूँ, 3.1 सेकंड, हाँ सेकंड से ही आंसर है। तो ये क्वेश्चन है बच्चों, सॉल्व करो, चलो नोट कर लो। तो बच्चों ये एक क्वेश्चन है जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन आपने पहले ही क्वेश्चन किया था, ठीक है, बस आपको आया हुआ क्वेश्चन है ये, 2013 के अंदर पूछा गया था ये क्वेश्चन, तो ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको ध्यान क्या रखना, ऐसा क्वेश्चन में पहला ही क्वेश्चन करवाया था आपको, लेकिन उस क्वेश्चन में क्या था, जो रुक रहा था ना सब जगह, तो वहां पे क्या था, जो उसका टाइम था वो 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, तो एक वो कैसा था, एक नेचुरल नंबर आ रहा था, प्राकृत नंबर था, तो वहां पर अपन n और n प्लस 1 अपॉन 2 वाला फार्मूला, पर यहां पर अपन ये फार्मूला नहीं लगा सकते, यहां पर आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला करना पड़ेगा, वो फार्मूला लगाना पड़ेगा आपको, Sn वो आप बताया था ना, Sn इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट n ब्रैकेट a प्लस n माइनस 1 d, तो वो वाला फार्मूला आपको यहां पर यूज करना पड़ेगा। तो आप कोशिश करो इस क्वेश्चन को करने की, मुझे आप पे पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है कि आप क्या कर लोगे, इस क्वेश्चन को चुटकी में कर लोगे, बस ध्यान रखना क्वेश्चन को सही से समझना और अच्छे से आराम से इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। तो बच्चों आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको पसंद आई होगी, आपने इस वीडियो से जरूर कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर और जरूर क्या करो आप लोग, शेयर करो, लाइक बाद में लेकिन पहले शेयर करो, क्योंकि आपके फ्रेंड के पास में पहुंचना बहुत जरूरी है, और साथ ही इसको लाइक भी करो, और अगर आपका कोई भी सजेशन हो
या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है वीडियो वगैरह के अंदर, आपको कोई भी दिखने में प्रॉब्लम, क्वालिटी में प्रॉब्लम, वॉइस में प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम अबाउट माय वीडियो देन यू कैन कमेंट, यू कैन कमेंट अबाउट, यू कैन कम ऑन कमेंट बिलो द वीडियो, तो मैं उस चीज से जान सकूं, आपके सजेशन से पता चल सके मुझे क्या चीज उसमें इंप्रूव करनी है और मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको इंप्रूव कर सकूं। तो आप मेरी हेल्प कीजिए और मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, तो ओके थैंक यू बाय एंड थैंक यू। और यहाँ पे जो आ रहा है ना, यहाँ पे एक लोगो आ रहा है, उसको क्या कर देना, आप लोग सब्सक्राइब कर देना प्लीज अगर फर्स्ट टाइम हो तो। ओके थैंक यू।